वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर व्लॉग। आज गाइस 8 मार्च और 8 मार्च के इस वक्त बज रहे हैं पूरे रात के 11:50 एंड सिर्फ 10 मिनट बचे 9 मार्च के लिए। 9 मार्च को था मेरे सिस्टर का बर्थडे, तो आज मैंने सोचा है कि आज के इस व्लॉग की मैं शुरुआत करने वाला अपने सिस्टर के बर्थडे को मनाकर। सारी की सारी तैयारी हो चुकी है, सामने लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे, थोड़ी बहुत यहाँ पे बलून वगैरह भी लगा दिए हैं, केक यहाँ पर एकदम मस्त तैयार हो चुका है, पार्टी पॉपर भी हैं। बस एक छोटी सी दिक्कत हो चुकी है केक के साथ। आ देखो, मेरे सिस्टर का नाम है वंदना और हमने सोचा था केक के ऊपर हम लोग लिखाएंगे यहाँ पे वंदु, जो कि उसको है ना घर पे प्यार से बोला जाता है। तो पहली गड़बड़ जो उन्होंने करी वो ये थी कि वी के जगह पे बी लिख दिया और जो यहाँ पर एन आएगा उसकी एक डंडी यहाँ पर कट चुकी है अपने आप ही और यहाँ पर बच चुका है वी। तो अब इसका जो नाम है वो वंदु की जगह बवड़ू लिखा हुआ है भाई यहाँ पे बवड़ू। आई डोंट नो मैन, अब इसका हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे यार। पापा पापा पापा, मेरे को आपसे एक बात पूछनी है। एक बात बताओ, ये जो केक है केक के ऊपर नाम किसने लिखवाया था, आपने लिखवाया था या फिर मम्मी ने लिखवाया था? मैंने लिखवाया था। और आपने क्या नाम लिखवाया था? बंधु। बंधु लिखवाया था। इधर आओ, मेरे से बाहर आओ जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ देखो रेडी क्या नाम लिखा हुआ है, क्या ये BAVDU बबड़ू लिखा हुआ। ये क्या लिखिए यार, चलो क्या फर्क पड़ता है, बबड़ू लिखा है चाहे बंधू लिखा है, टेस्ट तो सेम रहने वाला है। अगर टेस्ट में फर्क पड़ेगा तो बताइए मेरे को, अब एंजॉय करो। के लिए मुझे वहाँ बैठना चाहिए था ना, वैसे चल जमीन पे बैठी बेचारी, मुझे जमीन में बिठा दिया, मैं वहाँ बैठना चाहिए ना। बट चलो इट्स ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर वंदना। ओह माय गॉड, बबड़ू नहीं, ये क्या नाम लिखा है। Happy birthday dear बबड़ू जी, happy birthday, happy 27th birthday। कुछ बोलना चाहोगे आप happy 27th birthday पे अपने? आज बेटी का एक नया नेम आया है बबड़ू। Come on celebrate। यार मतलब नहीं, ये क्या नाम लिखा है, मतलब ये है manufacturer की गलती, we are so sorry for that। यार हमेशा prank मेरे साथ ही क्यों होता है, मतलब बबड़ू सीरियसली बात में केक मैन्युफैक्चरर ने कर दिया, हमने तो बोला भी नहीं था उसको, कसम से हमने नहीं बोला था उसको। यार पूरा का तो जी फिर आज तेरा 27th बर्थडे, कुछ बोलना चाहेगी? भाई बोलना बोलना क्या है, मेरा गिफ्ट का है भाई। वो क्या है, वो क्या चीज है, उठा दे इसको, क्या है ये? इसको दिखाइए जरा ऊपर कैमरे में। हाँ ये ले लिया ना, पैसा खत्म, कंगाली छा चुके हैं मेरे को। ठीक है जी, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू इसके लिए, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट डे वाज इवन क्रेजियर गाइस, बिकॉज़ हम लोगों को कॉल आती है महिंद्रा के शोरूम से एंड हमारी ब्रांड न्यू थार एकदम तैयार थे डिलीवरी के लिए एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। चेक आउट माय न्यू चमचमाती हुई थार गाइस। गाड़ी तो गया, आप लेके जाओगे कि मैं लेके जाऊं? हेलो, मैं लेके जाऊंगी गाड़ी। ड्राइविंग क्लास कब ज्वाइन करेगी बेटा? एक छोटा सा अपडेट, अभी मैंने गाड़ी को देना है मॉडिफिकेशन के लिए, बिकॉज मैं चाहता था कि फर्स्ट है जब मेरी गाड़ी है तो उसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करवाऊँ, कुछ चीजें जो कि मैं चेंज करवाना चाहता हूँ ताकि मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा अलग लगे। एंड आई थिंक मेरे को यहाँ पे ओवरनाइट अपनी गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा फर्स्ट डे, एंड आई गेस कल सुबह के लिए हमारे पास गाड़ी आ जाएगी एंड देखते हैं उसके बाद गाड़ी कैसी लगती है अपनी। यो व्हाट्स अप, फाइनली नई थार गाइस घर पहुंच चुकी है और इसमें मैंने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कराई है। जो सबसे ज्यादा टफ था इसमें हमारे लिए करना वो था ये टायर्स,
इसके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठे थे, बिकॉज जब ये गाड़ी शोरूम से निकली थी तो लिटरली आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने टायर्स चेंज करवा दिए थे, इसीलिए घर वालों ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए थे। बट तुम लोग देख सकते हो गाड़ी काफी अच्छी लग रही है भाई। और इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी मॉडिफिकेशन वगैरह मैंने कराई है गाड़ी में, इसीलिए गाइस 5 दिन लग गए भाई साहब। सो गाइस अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जा रहे हैं नई गाड़ी को लेकर गाँव। अब नई गाड़ी आई तो उसके सबसे पहले पूजा तो करानी पड़ती है, तो हम लोगों ने सोचा है कि पूजा हम लोग एक जगह पे जाके कराएंगे जिसका नाम है हाट कोटी, जो कि मेरे गांव के पास ही पड़ता है। एंड बहुत टाइम हो गया गांव गए हुए, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके हैं। एंड अभी प्लान पूरा है कि भाई गांव जाके एकदम मस्ती करनी है, 2-4 दिन पूरा एंजॉय करना है गांव में। एंड मैं व्लॉग जरूर बनाऊंगा गांव का भी। इतने साल हो गए शिमला में रहके, इन याक के ऊपर कभी सवारी नहीं करी, मतलब मैंने एक बार तो करी थी, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली और लोगों ने भाई साहब कमेंट्स करे कि भैंस के ऊपर बैठा हुआ वो याक था एक्चुअली, जो तभी तो तिब्बतन याक होते हैं ना, वो था, वो भैंस थी, भैंस ही लग रही थी, नहीं वो भैंस लग रही थी मैंने, पर एक्चुअली याक है वो गाइस। ऑलराइट गाइस, तो देखो अभी हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके और हम लोग एक बहुत ही स्पेशल डिश खा रहे हैं। मैंने बहुत पहले एक बार इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डाला था इसको एंड बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो अगर तुम लोगों को इसका नाम पता है ना तो तुम लोग मेरे को जरूर बताना। और ये जो डिश है ना, ये यूएसए की वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिशेस में से एक है। यूएसए की? ये हमारे जगह की फेमस डिश है, यूएसए की नहीं है, वही अपर शिमला एरिया अपर शिमला एरिया की बहुत ही फेमस डिश है और भरी लिटरली बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। हम पहुंच गए हमारे माता के मंदिर, अब यहाँ पे होगी गाड़ी की पूजा। बट सैडली गाइस हम लोग मंदिर में गए गाड़ी की पूजा करवाई, एंड जो मैंने मंदिर का व्लॉग बनाया था आई हैव नो आइडिया कैसे, लेकिन वो सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो गई, सो मैं तुम लोगों को अभी दिखा नहीं सकता, बट फ्यूचर में मैं जरूर तुम लोगों को उस मंदिर का व्लॉग दिखाने वाला हूँ। Alright guys, तो फाइनली अपने विलेज के पास पहुंचने वाले, लेकिन बहुत ज्यादा रात हो चुकी है यार। मैंने बोला था ना जब हम लोग मंदिर से बाहर निकल रहे थे बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका, मैं तुम लोगों को सुबह जल्दी उठ के आके सीनरी दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा ऑसम है गाइस मेरे घर के पास से। तो गाइस हमारे दादू जी, इन्होंने हमारे गाँव में अंदर आके पूजा करी है यहाँ पे। दादू आया कर दो एक बार सबको, हेलो दादू थोड़ा शर्मा रहे अभी पहली बार कैमरे के सामने। दादू को लड्डू खिला यार, खालो 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 पूरा खिला दादू। तो वैसे कल रात को हम लोग बहुत लेट पहुंच गए थे, पूरा दिन भर ट्रैवल करने के बाद भी कोई एनर्जी नहीं बची यार उसके बाद कुछ भी शूट करने की। अभी लगभग दिन के क्या टाइम हो रहा है, 12 बज चुके हैं। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसे, अभी तक फिलहाल को हम लोग गांव में किसी ने मिले ही नहीं अपने किसी भी रिश्तेदार से, अभी उनसे मिलने में जाना है, मामू वगैरह हो गए, चाचू वगैरह हो गए, दादी नानी वगैरह हो गए, उन सबसे मिलने जाना है, तुम लोगों को मिलाऊंगा मैं उनसे। एंड अभी मैं तुम लोगों को ना व्यू दिखाता हूँ मेरे गाँव का। सबसे पहले यार चेक दिस आउट गाइस, ये है रोडू। और बेसिकली जो मेरी स्कूलिंग हुई है ना बचपन से लेकर 3rd class से लेकर 12th class तक, वो यहीं से हुई है, इस छोटे से टाउन से। गाइस चेक दिस आउट, ये मेरे गांव से दिखता है पीछे चांचल की पहाड़ियां, जहाँ पे लिटरली 6-8 महीने तक बर्फ रहती है। हम लोग यहाँ पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, बट द थिंग इज कि वहाँ पर अभी तक रोड ब्लॉक्ड है मैन। और ये है हमारे गांव का आलसी बिल्ला, कोई काम नहीं इसके पास भाई, दिन दिहाड़े सोया हुआ, मजे पड़े इसके। गाइस हमारे गाँव का मंदिर, देवता महाशिव जी का मंदिर, और ये देखो यहाँ पे 2 शेर बड़े बड़े, और कुछ ट्रॉफीज भी हमारे गांव के लोगों ने जीती हुई है, ये कबड्डी में और ये वाले क्रिकेट में, और साइड में एक और है क्रिकेट वाली, कभी हम भी खेला करते थे बट अब तो छूट गया भाई। और ये हमारे गांव के खच्चर बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसके पास जाएंगे ना तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। जा 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 ये पीछे पड़ती है और कसम से लात मारती है ना, बहुत ही खतरनाक वाली। एक बार ट्राई तो कर, जा तो एक बारी ट्राई तो कर, एक बारी तब तो कोई लात मारेगी को कंटेंट मिल जाएगा मम्मी आप वहाँ से आ रहे हो ध्यान से आना, ठीक है ना। तो गाइस आज हम अपने छोटे कजन के यहाँ पर व्लॉगिंग सिखा रहे, आ जाना ऐसे कह के बोले हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, ऐसे करके इतना सा बोले वो स्टार्टिंग का। जल्दी आ जल्दी आ, सब देखेंगे देखो कितनी अच्छी व्लॉगिंग करता है, ऐसे ही डाल देंगे हम तेरे को, बताओ न्यू वाली हो। अरे वाह बेचे क्या बात है, प्रोफेशनल ब्लॉगर बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला तुमने यार, सच्ची में बहुत अच्छा बोला तुमने, शर्मा क्यों रहे? अरे अरे क्यों क्यों भाई क्यों चेड़ रहा छोटे बच्चे को यार, इतना छोटा है वो भी, अरे मत कर ऐसे करते बेटा, प्यार से देखें कितना क्यूट है, देखो डर गया छोटू, एक महीने का छोटा सा बच्चा, आ जा बेटा, उसकी मम्मी देखो यार परेशान होगी वहाँ पे यार, ओ छोटू ऐसे करके बेटा प्यार से देखो, ऐसे देखो प्यार से हूँ, सॉरी वहाँ से भूम भूम कर रही है भाई, डर लग रहा है यार। हेलो छोटू, ये हमारे यहाँ पे हमारे गाँव की एक बहुत ही
बढ़िया गेम खेली जा रही है क्रिकेट लीग। इन लोगों के सिर्फ एक चैलेंज दिया स्मार्टीफाई ने कि इसको जस्ट आउट करना है, एंड आई गेस ये आउट कर चुके हैं। मैच लगा कि मैंने इसको एक बॉल में आउट कर दिया ना, तो मैं इससे शर्ट जीत जाऊंगा और ये हार जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। भाई तूने स्कैम किया इसके साथ, तूने स्कैम किया इसके साथ। नहीं, इट्स अ स्कैम। पार्टी मैंने चीटिंग करी, इसने बॉल दूसरे हाथ से डाली है। देखो देखो गाइस, फिर से देखो गाइस, एक आखिरी प्लान हमारा, चेक दिस आउट। तो भी बच्चों कैसा लग रहा तुम्हें हार के फिर हैं भैया से? मैंने चीटिंग किया है। चीटिंग किया भाई मैंने? हार के तुम लोग तो चीटिंग बोलते हो उसको यार। नहीं। और ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं बच्चों के साथ ऐसा कांड करके। We some kings like a call in solitaire, sticking to the script, that's what got us here. If you in the way, we stepping down like a barber chair. We was all downstairs, Molly vibes till the smoke was clear. Nephew came in, told him boy yo go upstairs.